वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस थर्ड क्लास. कैसे हैं आप सब? सो आपका ग्रामर का एसे टू का फर्स्ट चैप्टर है द एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स. तो नंबर में ये 11 है लेकिन ऐसे फर्स्ट ऐसे सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है. सो लेट स्टार्ट. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत या खूबी या किसी उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे ट्री, अ ग्रीन ट्री. तो ग्रीन ट्री के अंदर ट्री क्या हो गया? नाउन है. और नाउन की खासियत क्या बता रहे हैं? कि ग्रीन है वो. ठीक है, तो ग्रीन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. जैसे अ रेड रोज, तो अ रेड रोज के अंदर रेज, तो रोज तो क्या है? नाउन है. और रेड क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया. यहाँ उन्होंने लिख दिया कि जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. और किसके एडजेक्टिव्स हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ट्री, गर्ल, एलिफेंट, माउस, बिल्डिंग, रोज, कार, कार. ठीक है, तो यह डेफिनेशन देखिए इसकी. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स एंड दे डिस्क्राइब नाउन्स. वो वर्ड्स जो हमें जो डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं. किसके बारे में बताते हैं? लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, चीज़ों के बारे में या जगह के बारे में. तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ठीक है, और जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जितने भी व्याख्या करने वाले शब्द हैं, वो सब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. और वो किसकी व्याख्या करते हैं? नाउन्स की या फिर प्रोनाउंस की. या तो वो नाउन के बारे में बताएंगे, संज्ञा के बारे में बताएंगे, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाली के शब्दों के बारे में बताएंगे. ठीक है, जो प्रोनाउन कहलाते हैं यानी सर्वनाम. तो अब यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ जो हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे, तो सबसे मतलब जो हमने नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि सारे नाउन जो है वो एंड में आ रहे हैं ना सेंटेंस के, और जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन से पहले आ रहे हैं. लेकिन ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये इसके बाद भी आ सकते हैं. जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नाउन एज इन द एग्जांपल्स गिवन अबव और आफ्टर द नाउन्स दे आर डिस्क्राइबिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय मोर एग्जांपल्स. तो राहुल इज अ फाइन बैट्समैन. तो अब नाउन यहाँ पर राहुल है तो वो पहले आ गया है. फाइन क्या है यहाँ पर? ये एडजेक्टिव है, ये बाद में है. ठीक है, तो ऊपर वाले का अपोजिट हो गया ये. हर फ्रॉक इज़ न्यू. हर फ्रॉक यानी फ्रॉक नाउन हो गई यहाँ पर, और न्यू क्या है? एडजेक्टिव. यानी नाउन पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद में. ठीक है, तो ये पहले भी आप लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करता है. ये हमारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर, हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे जो सूटेबल होगा. अब उसके बाद देखते हैं इसके काइंड्स क्या क्या हैं. तो उसकी काइंड सबसे पहली काइंड जो है वो इसकी है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. यानी किसी की क्वालिटी के बारे में, किसी के गुण के बारे में जो हमें बता रहे हैं. ठीक है, अब गुण जो है वो अवगुण भी हो सकता है, लेकिन वो अलग है ना लोगों से, इसलिए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे फर्स्ट है कि जॉन इज़ अ लेजी बॉय. तो जॉन इज़ अ लेजी बॉय, लेजी यानी सुस्त. तो लेजी क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया. हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अलग है लोगों से, दूसरे लड़कों से, तो इसलिए लेजी क्या है? ये एडजेक्टिव है. यहाँ पर द फूलिश डॉग ट्राइड टू गेट अनदर होम. द फूलिश डॉग ट्राइड टू गेट अनदर बोन. तो जो फूलिश डॉग यानी बेवकूफ डॉग, वो कोशिश करता है कि दूसरी हड्डी ले. तो डॉग यहाँ पर क्या है? नाउन है. उसकी खासियत क्या है? कि वो फूलिश है. फूलिश यानी कि बेवकूफ़ है. मुंबई इज़ अ बिग सिटी. तो मुंबई क्या है यहाँ पर? नाउन है. और कैसी सिटी है वो? बिग. बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. द क्लेवर फॉक्स वॉकड अवे विद द चीज़. द क्लेवर फॉक्स यानी फॉक्स क्या है हमारे पास? नाउन. और क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव. ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल्स यहाँ देखे कि कहीं पर नाउन से पहले एडजेक्टिव है और कहीं पर नाउन के बाद. और ये सभी चीज़ें क्या बता रही हैं? किसी इंसान के बारे में बता रही हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं. वो अक्लमंद है, बेवकूफ़ है, या इंसान की नहीं, सिर्फ जगह की, जानवर की, इन सभी के बारे में बताती हैं. जैसे मुंबई बिग सिटी है ना, तो जगह है, तो ये इसकी क्या खासियत है कि ये बिग है. देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है. तो यहाँ जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है व्हाट काइंड ऑफ. कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या कोई भी जानवर किस प्रकार का है. ठीक है, तो तब आप क्या बोलेंगे? तब आप जब हम आंसर इसका ढूंढेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पर? कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी लग रहा है. कि जब भी कोई द काइंड ऑफ अ पर्सन, उस इंसान के प्रकार के बारे में, जानवर के प्रकार के बारे में, या फिर चीज़ के प्रकार के बारे में जब हम पता लगाएंगे, तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो होगा हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऑफ व्हाट काइंड. देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने, सेंटेंसेस हैं. तो इसमें से आपको क्या छांटना है? इसमें से आपको ये निकालना है एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं. द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो रोज़ जो है वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर है. तो अब रोज़ क्या है? वो नाउन है. उसकी क्या खासियत है? कि वो ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और रोज़ क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है, जैसे देखते हैं पीकॉक्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स. तो अब यहाँ पर पीकॉक
पीकॉक्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, फेदर्स के बारे में, और फेदर्स कैसे हैं, ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल फेदर्स आ गया। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लायंस आर स्ट्रांग एंड फियर्स एनिमल्स, ठीक है, तो लायंस क्या हो गए, वो नाउन हो गए, और उनकी क्या खासियत है कि वो स्ट्रांग भी हैं और फियर्स भी हैं, तो ये दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पर आ जाएंगे दोनों ही एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप हो गई। अब सेकंड टाइप पर चलते हैं, सेकंड में है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक तरीके से समझिए आप गिनती और मात्रा, मतलब किसी चीज़ की क्या मात्रा है ना, क्या क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है, शी इज़ सिक्स ईयर्स ओल्ड, तो सिक्स नंबर हो गया, ये सिक्स है ना, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। वैसे इसको हम अलग से जो बोलते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं, है ना, लेकिन आपको क्योंकि आप छोटी क्लास में, तो उन्होंने मिक्सअप करके दे दिया, क्वांटिटी और नंबर एक ही साथ दे दिया, वैसे ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब ही मेड 50 रन्स, तो 50 हो गया। द बॉय हैज़ 3 बलून्स, 3 गिव मी सम मनी, तो सम भी क्या है, वो क्या है, वो क्वांटिटी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। सम है, मोर है, मच है, लेस है, फ्यू है, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज स्पोकन अबाउट, कह रहे हैं कि इसमें आप ये देखते हैं कि किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी के बारे में, हाउ मच कितनी है वो चीज़, है ना, तो उसके बारे में बात की जाती है। इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ हाउ मच यानी कितनी है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी, ये गिनती में कितनी है, ये तो क्वांटिटी में हो गई, मतलब थोड़ी है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम काउंटिंग की बात करेंगे तो अब हम हाउ मैनी क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है ना, हाउ मैनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमें बताती है किसके बारे में, हाउ मैनी, यानी हम क्वेश्चन क्या पुट अप करेंगे, हाउ मैनी है, कितनी कोई चीज़ कितनी है, या हाउ मच, जो चीज़ गिनने वाली होती है उसके लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं, और जो चीज़ गिनने वाली नहीं होती, जैसे मैं कहूँ कि मुझे कुछ पानी दे दो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक पानी दे दो या दो पानी दे दो, है ना, कुछ पानी या ज़्यादा पानी दे दो या एक बाल्टी पानी दे दो, इस तरीके से। तो तब हम क्वेश्चन क्या पुट अप करते हैं, हाउ मच करते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके लिए हाउ मच, जो काउंटेबल नाउन होती है उनके लिए हाउ मैनी। तो अब यहाँ पर देखिए इसके एक्सरसाइज के अंदर, राइट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ऑन द ब्लैंक लाइन्स, यहाँ पर आपको क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स लिखने हैं, यानी जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे अ वीक हैज 7 डेज, तो 7 नंबर हो गया, तो इजीली हम यहाँ लिख देंगे 7। ही हैड इनफ फूड, इनफ मतलब काफ़ी, उसके पास काफ़ी खाना है, तो इनफ यहाँ पर क्या है, वो क्वांटिटी को बता रहा है। ही हैड सफिशियंट मिल्क, उसके पास काफ़ी मिल्क है ना, पर्याप्त, सफिशियंट। ही हैड 5 बलून्स, तो नंबर हो गया ये। ही मेड 50 रन्स, ये भी नंबर हो गया। सम बॉयज रन अवे, कुछ लड़के भाग गए, तो कुछ। अली लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, और मतलब सारी दौलत गंवा दी, ऑल। देर वॉज नो मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में कोई मिल्क नहीं था, तो नो आ गया, ठीक है। देर इज इनफ वाटर इन द जग, इनफ। आई हैव नो ब्रेड, नो, ठीक है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करे, मैंने लिख भी दिए यहाँ पर, ये सब कौन से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं, समझ आया आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, क्या मतलब होता है, प्रदर्शन करना। तो पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, दिस गर्ल इज माई सिस्टर, ये लड़की मेरी बहन है, ठीक है। सच मैन आर वेरी ब्रेव, इस प्रकार के लोग ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, इसमें मतलब सैनिक जो सोल्जर्स होते हैं। दीज मैंगोज आर राइप, ये आम पके हुए हैं। दोज फ्लावर्स आर येलो, वो फूल येलो हैं, हालांकि ये रेड दिखा रखा है इन्होंने। दैट फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ज़्यादातर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये, वे, वे या ये, ठीक है, या इस प्रकार के, या फिर निश्चित, सर्टेन, ठीक है। तो ये सभी वर्ड, ये जो हिंदी में मैंने लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। देखिए डेफिनेशन में देखते हैं क्या है, द एडजेक्टिव्स इन द अबव सेंटेंसेस डिस्क्राइब पर्संस और थिंग्स, सच एडजेक्टिव्स दैट टेल अस अबाउट पर्संस और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये वह एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी पर्सन के बारे में बताते हैं। जैसे बहुत सारी भीड़ लग रही है, तो उसके अंदर से आप कहोगे वो मेरा भाई है, तो वो मेरा भाई है नहीं, ही इज दैट ब्रदर इज माई, सॉरी, दैट बॉय इज माई ब्रदर। तो अब वो लड़का जो है ना, यानी हमने, मैंने उसकी तरफ इशारा करके बताया है, तो मैंने उसको प्रदर्शन किया, उसको दिखाया है कि वो लड़का मेरा भाई है, तो तब मैं क्या बोलूँगी, उसको हम बोलते हैं फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चंस। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए आप क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, विच, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा, विच यानी कौन सा, तुम्हारा भाई कौन सा है, तो मैं कहूँगी दैट या दिस या इसके अलावा और भी दूर दूर का इशारा मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया, दिस एंड दीज आर यूज फॉर पर्सन और थिंग्स दैट आर नियर। दिस और दीज का हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो करीब होती हैं, दैट और दोज का हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि दूर होती हैं, और दिस और दैट का यूज़ करते हैं जो सिंगुलर होती है, मतलब एक के लिए, है ना, और दीज और दोज का यूज़ करते हैं प्लूरल्स के लिए, यानी एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप भी हमने कर ली, वो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया आपको? देखिए जब भी सेंटेंस में समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन पुट अप कर लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, जब लिखा हुआ है कि दिस इज़ माई बुक, तो क्वेश्चन क्या पुट अप हो रहा है, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो आप कहेंगे दिस। तो दिस यानी यहाँ पर क्या है कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ना, इंट्रोगेशन मतलब सवाल पूछना। तो अब यहाँ पर है, फर्स्ट है व्हाट इज़ अमित डूइंग, अमित क्या कर रहा है, विच कार इज़ योर, तुम्हारी कार कौन सी है, हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। तो जब भी आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे, है ना, तो आप उसके अंदर क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको पहचानने के लिए आप ये भी मतलब देख सकते हैं कि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, डब्ल्यू एच फैमिली ज़्यादातर। तो जैसे यहाँ है ना, व्हाट, विच, हुज, हुम, वेयर, ये सारे वर्ड जो है वो इसके अंदर आएंगे। इन द अबव सेंटेंसेस एडजेक्टिव्स व्हाट, विच एंड हुज हैव बीन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कलरफुल है, दे आर नॉन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक, समझ आ गई बात। अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप पर, जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना, है ना, तो या अपना अधिकार शो करना। अब जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे लिखा है दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है ना, दैट इज़ आर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज़ योर कार, दैट इज़ योर कार, वह तुम्हारी कार है। हिज स्कूल इज़ वेरी नियर, उसका स्कूल बहुत करीब है। हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। देयर टीम इज़ द विनर, उनकी टीम जीत गई। मतलब आपका ना कोई रिलेशन है ना, हमारा, मेरा, तुम्हारा, उसका, सबका। तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे कलरफुल, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, है ना, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। जहाँ पर भी ये वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे तब आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर हैव बीन यूज बिफोर नाउन्स आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये वर्ड्स जब यूज़ होते हैं किससे पहले, नाउन से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हुज़। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि Whose voice is sweet? तो आप किसी का भी नाम लो कि या his voice is very sweet, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, उसकी आवाज़ है ना, तो उसका और आवाज़ का एक रिलेशन है ना। मैं कहूँ कि whose house is this, किसका हाउस है ये, तो आप कहोगे it is our house, ये हमारा घर है। ठीक है, तो यानी हमारा, यानी हमारा और हाउस का रिलेशन है ना एक। तो जब आप रिलेशन शो कर रहे हैं, एक तरीके का अधिकार शो कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज़ होंगे। तो ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया, जो मेरे पीछे जो एक्सरसाइज है वो दोनों कर लीजिएगा सिंसियरली, बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई भी वर्ड इधर उधर मत कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए ए पार्ट में आपको क्या करना है, अभी हमने जैसे पीछे क्वेश्चंस किए उसी की बेस पर है, सेम टू सेम वैसा ही करना है आपको, कि इसके अंदर बताना है कि एडजेक्टिव क्या है ना, अंडरलाइन भी करना है, मतलब उसको यहाँ लिखना है, और साथ साथ आपको क्या करना है, उसकी बतानी है काइंड कौन सी बनी, कि मतलब कौन से काइंड का वो एडजेक्टिव है। जैसे सपोज़ कि फर्स्ट वाला है आपका गिव द बेगर सम मनी, तो अभी मैंने आपको बताया था सम, मोर, लेस वगैरह हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी में, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, सम हो गया, और उसकी काइंड कौन सी है, क्वांटिटी। ठीक है, सेवरल बॉयज़ टुक पार्ट इन द प्ले, सेवरल मतलब कई लड़के, तो सेवरल हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव हो गया ये, और कौन सा वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। डिड शी गेट मैनी बुक्स, तो मैनी यहाँ पर हो गया, मैनी क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और कौन सा वाला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, द ओल्ड मैन हैज़ सम मनी, तो सम मनी, फिर यहाँ पर सम मनी आ गया, यानी जैसे ऊपर आया था अभी ये रहा यहाँ पर, है ना, सम मनी, तो सम यहाँ पर एडजेक्टिव है, और कौन सा वाला है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद है अनुज मेड 20 रन्स, यानी काउंटिंग आ गई, तो काउंटिंग यहाँ लिख दी हमने 20, और कौन सी वाली टाइप है इसकी, काइंड है, क्वांटिटी वाली है। उसके बाद है मैनी फ्रेंड्स हेल्प हिम, मैनी, मैनी भी इसके अंदर क्या आ गया, ये एडजेक्टिव हो गया, कौन सा वाला एडजेक्टिव है, क्वांटिटी वाला। विच चाइल्ड हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब आप विच क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए गिरा यह है ना विच, तो विच कहाँ किसके लिए यूज़ करेंगे हम, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के लिए। तो ये कौन सी काइंड हो गई,
ये हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, तो अब यहाँ पर है प्योर वाटर, किस किस तरीके का पानी पीना है आपको, प्योर यानी शुद्ध पानी, तो यानी व्हाट काइंड ऑफ, यानी फर्स्ट टाइप आ गई हमारी, तो ये प्योर हो गया हमारा एडजेक्टिव और ये हो गया क्वालिटी। उसके बाद आता है शी टोल्ड मी फनी स्टोरी। अब फनी स्टोरी, फनी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है और कौन सा हमारा एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है, यानी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, यानी फनी स्टोरी, ये क्वेश्चन उठेगा इसके लिए। देर आर 40 बॉयज इन द क्लास, फिर काउंटिंग आ गई हमारे पास, तो जब काउंटिंग आ गई तो ये क्वांटिटी वाला है। समझ आया आपको कि हमने इसमें से एडजेक्टिव्स निकाल लिए और साथ में क्या क्या है इसकी, इसकी टाइप्स हैं, इसकी काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स की। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आपको करेक्ट एडजेक्टिव चूज करना है सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, जैसे मुंबई इज़ अ बिग सिटी, द नाइफ इज़ वेरी शार्प, द जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, तो ये सभी जो हम हैं ना, ये सब एडजेक्टिव्स हैं लेकिन सूटेबल एडजेक्टिव्स जो सूट कर रहे हैं सेंटेंस पर। द पीकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, द हिमालयाज आर हाई माउंटेन्स, द फॉक्स इज वेरी क्लेवर, द फ्लावर इज वेरी लाइट इन कलर, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द आंट इज एन इज अ स्मॉल इंसेक्ट, दिस इज अ ग्रीन लीफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर का, ये काम पूरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो सी पार्ट है उसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, सी पार्ट आपको नहीं करना है, इसे कट कर दीजिएगा, बस आपको यही काम करना है। तो टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, एक और भी ये वाली हैं और 2 ये वाली एक्सरसाइज हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, एक बार चैप्टर रीड आउट कर लीजिएगा, कुछ अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ठीक है, नहीं अगर समझ में आता है कुछ भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।